फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 6 पढ़ने जा रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसका नाम है फ्लो थ्रू पाइप्स। तो पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट एंड रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। फ्लो थ्रू पाइप्स मीन्स हमारा एक पाइप है, पाइप्स में से जब भी लिक्विड फ्लो होता है तो वहाँ पे कौन कौन से लॉसेज होते हैं, उसकी क्या चेंजेस होते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, कितने टाइप के फ्लो हमारे लिक्विड से पास होते हैं, ये सब इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो जो हमारा पाइप होता है कॉमनली इन सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, सर्कुलर सेक्शन का ही ज़्यादातर हमारे पाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे जो नॉर्मल पाइप है, यहाँ से तीन तरीके का फ्लूइड फ्लो होता है। पहला होता है हमारा लेमिनार फ्लो, इस टाइप के फ्लूइड इसमें से पास हो सकते हैं। दूसरा ट्रांजिशन फ्लो, एंड द थर्ड वन इज दैट इज यस टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, ये तीन तरीके का हमारा फ्लो है जिसके बारे में हम ये पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इन फ्लो को हम कैसे मेज़र करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि हमारा जो पाइप में फ्लो हो रहा है वो लेमिनार फ्लो हो रहा है या हमारा ट्रांजिशन फ्लो हो रहा है या टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, ये सब हमें कैसे पता चलेगा, इस सबका इसमें लॉस कितने हो रहे हैं, एनर्जी क्या है हमारे जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, इस पूरे चैप्टर में हम यही सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रेनॉल्ड्स नंबर और द रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट। क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे इस पाइप में से फ्लूइड जो पास हो रहा है तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो फ्लूइड हमारा कौन सा है, उस फ्लूइड का प्रॉपर्टी क्या है, लेमिनार है, ट्रांजिशन है या टर्बुलेंट है, ये बताने के लिए रेनॉल्ड्स ने एक्सपेरिमेंट किया था। दैट इज रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट जिसे हम बोलते हैं, रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट। ये रेनॉल्ड्स ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि पाइप में से हमारा अगर ऐसा फ्लो होगा तो लेमिनार होगा, ऐसा फ्लो हुआ तो ट्रांजिशन होगा, और ऐसा हुआ तो टर्बुलेंट होगा। ठीक है, तो सिर्फ रेनॉल्ड्स का यही काम था, उसने बताया कि हमारे पाइप में से जब कोई फ्लूइड पास होता है तो वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या है, लेमिनार है, ट्रांजिशन है या टर्बुलेंट है। कैसे पता किया, आइए स्टार्ट करते हैं। उसने एक अपैरेटस बनाया, अपैरेटस का ड्राइंग करते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा रेनॉल्ड्स अपैरेटस, ये एक टैंक है। ठीक है, टैंक में क्या है, वाटर, टैंक में है वाटर। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ऐसे वाटर से। ठीक है, मैंने टैंक में वाटर लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया टैंक, यही था हमारा रेनॉल्ड्स अपैरेटस। उसने क्या किया, इसमें एक पाइप ट्यूब कनेक्ट किया, दैट इज ग्लास ट्यूब, ग्लास का एक ट्यूब उस टैंक से कनेक्ट किया, ग्लास ट्यूब। ठीक है, उसमें एक वाल्व लगाया जो कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, स्लो आप वाल्व के थ्रू आप फ्लूइड को स्लोली पास करा सकते हो, इससे तेज से निकले, स्लोली से निकले, ये वाल्व हमारा फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ फ्लूइड को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमने एक ये कंसिडर किया, हमने एक एक्स्ट्रा डाई, इसे हम डाई और बोलिए डाई टैंक, दैट इज डाई कंटेनर। ठीक है, ऐसा एक हमने सिस्टम लिया, यहाँ भी एक वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, वाल्व लगा हुआ है, अब शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो हमने देखा यहाँ पे ये फ्लूइड हमारा टैंक के अंदर पूरा वाटर भरा हुआ है। ठीक है, पूरा, और ये हमारा ग्लास ट्यूब इससे कनेक्ट है। ठीक है, इसमें हमने एक सिस्टम लिया ऐसा कुछ, इसके अंदर हमने इस कलर का, फॉर एग्जांपल मैंने किसी अलग कलर का लिक्विड उसके अंदर भर के रखा है, इस टैंक में हमने अलग कलर का लिक्विड भर के रखा है जो कि जिसका स्पेसिफिक वेट हमारे वाटर का जो स्पेसिफिक वेट है उससे सेम है, दोनों लिक्विड सेम है, बस ये अंतर ये हमारा यहाँ पे कि वाटर हमारा कलरलेस है और ये हमने एक कलर ले लिया, तभी तो हमें दिखेगा कि फ्लो कैसा हो रहा है, एक कलर लिया। अब जैसे हमने ये वाल्व ओपन किया, ठीक है, इस वाल्व को पहले तो क्या किया, इस वाल्व को हमने हल्का सा खोला तो हमारा जो ये जो वाटर है टैंक में ये स्लोली स्लोली यहाँ से पूरी तरह से स्लोली स्लोली बाहर की ओर निकल रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने ये डाई से ये हाई स्पीड जेट मींस ये हमने थोड़ा हाइट पर लगाया है, ठीक है, यहाँ से इस दूसरे कलर का लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्रीन कलर जो दिख रहा है ये दूसरे कलर का लिक्विड है। ठीक है, हमने इससे छोड़ा, तो यहाँ से आप देखोगे
कि ये लिक्विड जेट ऐसे निकलेगा, ठीक है। अब ये लिक्विड जेट जेट की जो प्रॉपर्टी है ये हमें बताएगा कि हमारे इस पाइप में हमारा जो फ्लूइड पास हो रहा है उसका नेचर क्या है, वो लेमिनार है, ट्रांजिशन है या फिर टर्बुलेंट है, यही हमें रिनॉल्ड्स बताता है। अपैरेटस के बारे में समझ गए। अब कैसे बताता है, अब भाई हम आगे डिस्कस करते हैं। मेरे पास रिटन है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ बता दूँ ये चीज़ कि जब तीन तरीके से हम यहाँ पे वाल्व को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तीन तीन जब हम ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो तीन ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के बाद। पहला हमें ये मिलता था कि जब हमारा फ्लूइड इससे पास होता है एट लो स्पीड, जो वाटर है हमारा ये वाल्व के थ्रू नॉर्मली लो स्पीड में फ्लो हो रहा है, हमने वाल्व को थोड़ा और ओपन किया, थोड़ा सा इसकी स्पीड इंक्रीज हुई, ठीक है। और वाल्व को हमने फिर और उससे ज़्यादा ओपन किया तो स्पीड थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो जो लो स्पीड जब हमारा रहेगा, लिक्विड इसमें फ्लो हो रहा होगा, तब हम डाई कंटेनर से डाई को जेट के डाई को जो फ्लूइड है उसको जेट के थ्रू जब हम छोड़ेंगे तो उसका स्टेट लाइन मिलता है, ठीक है, लो स्पीड पे। तब उसको जो होता है फ्लो की प्रॉपर्टी, इट इज़ लेमिनार। हल्का से स्पीड इंक्रीज करने पे जब हमारा डाई ये जेट से छोड़ेगा लिक्विड अलग कलर का, तब हम यहाँ पे कुछ ऐसा देखेंगे, जो हमारा ये ऐसा फ्लो होगा, ये हमारा जो लिक्विड है इस ट्यूब में, तब हमारा होता है ट्रांजिशन जोन। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फ्लूइड है वो लेमिनार से टर्बुलेंट में चेंज हो रहा है, तब की ये प्रॉपर्टी है। और जब आप वाल्व को थोड़ा और ओपन कर दोगे, जब और स्पीड से टैंक से वाटर यहाँ बाहर की ओर निकलेगा, तब आप डाई डाई से जब आप वाटर इसमें पास कराओगे तब आप देखोगे ये थोड़ा दूर तक ऐसे जाएगा, उसके बाद टोटली डिपोज हो जाए, पूरा डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, पूरे लिक्विड में आपका कलर देखोगे थोड़ी दूर बाद आके मिक्स होके बाहर की ओर निकलने लगेगा, तब आपका होता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। आई थिंक आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। आइए थ्योरी में देख लेते हैं। ओके, तो ये जो हमारा पास होता था इसको बोलते थे हम लोग फिलामेंट ऑफ डाई, ठीक है। इस डाई का जो फिलामेंट अलग लिक्विड हम लोग जो यहाँ से पास करा रहे थे, ये जो हमें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, दैट इज फिलामेंट ऑफ डाई। ओके, तो हम जो अपैरेटस यूज कर रहे हैं, जो हमारा सॉरी रिनॉल्ड्स जो एक्सपेरेटस यूज किया था, उसमें द अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर एट कॉन्स्टेंट हेड, एक टैंक था जिसमें वाटर था, ठीक है। अ स्मॉल टैंक कंटेनिंग सम डाई, ये जो ये स्मॉल टैंक कंटेनिंग सम डाई, डाई मीन्स अलग कलर का कोई लिक्विड बट इन सेम स्पेसिफिक वेट एज द वाटर सोर्स। एंड द लास्ट वन इज अ ग्लास ट्यूब हैविंग अ बेल माउथेड एंटरेंस एट वन एंड एंड रेगुलेटिंग वाल्व एट अदर एंड। ओके, ये तीन चीज हमें अपैरेटस में लगा होता है। नाउ अगला है, जब वाटर हमारा फ्लो होता है, ठीक है, द वाटर इज मेड टू फ्लो फ्रॉम द टैंक थ्रू द ग्लास ट्यूब इन टू द एटमोसफेयर। टैंक से ग्लास ट्यूब के थ्रू बाहर की ओर जब वाटर हमारा फ्लो होता है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो वॉज वेरीड बाई एडजस्टिंग द रेगुलेटिंग वाल्व। वाल्व के थ्रू हम वेलोसिटी को कंट्रोल करते हैं बाहर की ओर निकलने से टैंक से। अ लिक्विड डाई हैविंग सेम स्पेसिफिक वेट एज वाटर वॉज इंट्रोड्यूस इन द ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब में हम इस फिलामेंट डाई यूज करते हैं, ठीक है। नाउ तीन तरह का ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है इसमें। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर ऑब्जर्व, फर्स्ट था हमारा व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो वाज लो, ठीक है, द डाई फिलामेंट ऑन द ग्लास ट्यूब वाज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। द स्ट्रेट लाइन ऑफ डाई फिलामेंट वाज पैरेलल टू द ग्लास ट्यूब विच शोज लेमिनार फ्लो। ये देखो, जब हमारा स्लो स्पीड रहेगा तब एक स्ट्रेट लाइन से हमारा फिलामेंट डाई पास होगा, दिस मीन्स लेमिनार फ्लो। ओके, और उसका रिनॉल्ड्स जो नंबर होता है क्या होता है, लेस देन 2000, ठीक है। सेकेंड केस हमें देखने को ये मिला, विद द इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो द डाई फिलामेंट वॉज नो लॉन्गर ए स्ट्रेट लाइन बट इट बिकम अ वेवी वन। जब आप थोड़ा स्पीड बढ़ाए तो आपको दिखा कि वेब टाइप का आपका नेचर कर रहा है डाई फिलामेंट, ठीक है, वो उसका मतलब हुआ ट्रांजिशन फ्लो हो रहा है। इसका रेंज है जो रिनॉल्ड्स नंबर का 2000 से 4000 के बीच में होता है इसका रिनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज विथ फर्दर इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो द वेवी डाई फिलामेंट ब्रोक अप एंड फाइनली डिफ्यूज इन वाटर। दिस मीन्स डेट द फ्लूइड पार्टिकल ऑफ द डाई एट हायर वेलोसिटी आर मूविंग इन द रैंडम फ्यूजन विच शोज द
केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। मीन्स ये केस जो हमारा, ये हमारा ट्यूब से जब हमारा हाई स्पीड में स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा है, तब हम अपना फिलामेंट डाई छोड़ेंगे उसके अंदर, तो कुछ ऐसा नहीं, थोड़ी दूर तक तो वेवी है, उसके बाद वो पूरा लिक्विड के साथ पूरा डिफ्यूज हो गया, डेट इज डिफ्यूज फिलामेंट, डेट इज़ द टर्बुलेंट फ्लो। उसका रिनॉल्ड्स जो नंबर होता है वो 4000 से ज़्यादा होता है हमेशा, ठीक है ना। अब कुछ और हमारा डिस्कस कर लेते हैं, इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो, जब लेमिनार फ्लो हमारा होता था, तब जो लॉस है, जो लॉस हो रहा है प्रेशर में, जो फ्लूइड जो हमारे एंटर हो रही है और निकल रही है, उनके बीच में जो लॉस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ठीक है। द लॉस ऑफ द प्रेशर हैड वॉज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, बट इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो रिनॉल्ड्स ऑब्जर्व दैट लॉस ऑफ हैड इज अप्रॉक्सीमेट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। जब टर्बुलेंट फ्लो हो रहा होगा, जो मेरा हैड लॉस है, ठीक है, प्रेशर लॉस या हेड प्रेशर लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। और जो हमारा पावर एन लगाया हूँ मैं यहाँ पे, एन वेरीज फ्रॉम 1.75 टू 2.0, दिस रिप्रेजेंट द टर्बुलेंट फ्लो। ओके, तो फाइनली हमारा यहाँ रिनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है हमने देख लिया। रिनॉल्ड्स नंबर के बारे में बात करते हैं क्या होता है, बल्कि इससे पहले हमने जब डायमेंशनलेस एनालिसिस पढ़ा था तो वहाँ एक्चुअली हमने पढ़ा था रिनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। क्या होता है, रिनॉल्ड्स नंबर को आर ई से डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल होता है वी इंटू डी अपॉन म्यू, और ये आपका हो जाएगा डेंसिटी टू। ये था हमारा रिनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला, ठीक है। वेलोसिटी, डायमीटर ऑफ द पाइप, डायनेमिक विस्कोसिटी, दैट इज म्यू अपॉन ये रो, ये रो है तो मैंने ऊपर भेज दिया, म्यू अपॉन रो इज डायनेमिक विस्कोसिटी। ओके, ये था हमारा रिनॉल्ड्स नंबर। क्या होता है रिनॉल्ड्स नंबर, मैं इससे पहले लेक्चर में बताया था वही मैं आपको सेम दिखा रहा हूँ, ठीक है। रिनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स ऑफ द फॉलोइंग फ्लोइंग फ्लूइड एंड द विस्कस फोर्स ऑफ द फ्लूइड, ये होता है हमारा रिनॉल्ड्स नंबर। नाउ इनर्शियल फोर्स, ठीक है, जो पहला इनर्शियल फोर्स जो हमारा है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, मास को हम रो इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं, रो वॉल्यूम, वॉल्यूम टाइम एक साथ हमने कर लिया, वेलोसिटी अलग, तो रो इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम इट इज एरिया इंटू वेलोसिटी, इंटू वेलोसिटी वी, रो ए वी स्क्वायर इज द इनर्शियल फोर्स। ओके, एंड सेकेंड वन इज विस्कस फोर्स, सीयर स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है। विस्कस फोर्स क्या होता है, सीयर स्ट्रेस इंटू एरिया, सीयर स्ट्रेस इज अ टाउ, एरिया इज ए, टाउ इंटू ए इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। नाउ टाउ इज इक्वल टू सीयर स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेस इज इक्वल टू विस्कोसिटी इंटू डी यू अपॉन डी वाई, म्यू डी यू अपॉन डी वाई इंटू एरिया। ओके, म्यू डी यू अपॉन डी वाई जब चेंज होगा दैट इज वी अपॉन एल इंटू ए। बाई डेफिनेशन ऑफ रिनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रिनॉल्ड्स नंबर का डेफिनेशन, जो आपका इनर्शियल फोर्स, द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू द विस्कस फोर्स, हमारा अभी इनर्शियल फोर्स ये आया था, हमारा विस्कस फोर्स ये, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका रिनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू वी इंटू एल अपॉन म्यू अपॉन रो, रो ऊपर चल जाएगा, और म्यू अपॉन रो क्या होता है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी, आप म्यू से डोनोट कर सकते हैं, या फिर वी अपॉन एल, रो को आप ऊपर भेज दे, जो हमें अभी इक्वेशन दिखा था, ये इक्वेशन सेम, ठीक है। ये था हमारा रिनॉल्ड्स नंबर। ओके, आई थिंक आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।